It was such fun. Tia was walking the ramp. Pata, sab Tia ko hi dekh rahe the. Na cool tha sab. Tia, enough. Please, enough. जब से आई हो पक 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 कर रही हो enough. प्लीज यूवी तुम भी उतने ही एक्साइटेड थे. ऑल दोस टैकी कैमल और उसकी और भी टैकी फ्रेंड अन्वेषा ने तो फुल प्लान्स बना लिए थे टू स्पॉइल आवर डे. हाँ वो एक्चुअली आशी भी आई थी पूरे दो दिन के लिए लेकिन अब वो लंदन वापस चली गई. थैंक गॉड. मैं तो सोचा वो वाइल्ड कैट वापस आ गई है. टिया ने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी को भी अपने हैप्पी वर्ल्ड में क्लाउड बन के आने नहीं देगी. Hey bro, what's up? क्या डील है? शेक्सपियर? प्लीज नकुल, मैं आयशा मैम को लेटर लिख रहा हूँ. ओके. और ये बुक्स? कॉपीकैट? ये पोएट्री है, तेरे बस की नहीं. तुझे पोएट्री के पी का मतलब ही पता है? इस लेटर से मैं आयशा मैम को टोटल नॉकआउट कर दूंगा. लूट कितनी बार का है, लव में नो शो. सच? मुझ बेबी बी माको, कम ऑन, उसको अटेंशन मत दो. डूड, मैं तेरी बात सुनूंगा इन योर ड्रीम्स. और वैसे भी टिया की स्टोरी के बाद गेट अ लाइफ. डूड, टिया को टाइम चाहिए. और नकुल के फंडेस कहते हैं कि यू नो सिड, नकुल वेरी गुड, तुम दोनों यही मिल गए. लिसन, तुम दोनों की मॉम्स आई है एंड वो भी वार्निंग नोट साइन कर रही है. मॉम? मेरी मॉम? Mom, no, no way. Oh God. Gloria कहाँ पर है? Principal के office के बाहर wait कर रही है. Please Gloria, please मेरी mom को कह दो कि मैं कहीं बाहर गया हूँ. Please. No way sir. पर पता है funny बात क्या है? तुम दोनों की moms एक दूसरे को जानती है. What are you saying? क्या वो friends हैं? No, actually Nakul की mom तुम्हारे mom की assistant थी. What? प्लीज फ्लोरिया, तुमसे कोई मिस्टेक हुई होगी. अब मैं सब सेट करके आता हूँ. डूड, मैं जाता हूँ. मैं भी चलता हूँ नकुल. नो डूड, तू नहीं आ सकता. अगर तेरी मॉम ने तेरे को देख लिया तो तू तो गया. तेरे लिए मैं कवर अप कर दूंगा. ओके कूल कूल. फ्लोरिया लेट्स गो. मेहर वॉशरूम में भी नहीं है. टिया उसे कहीं और देख कर आने. हाय, तुमने मेहर को कहीं देखा है? हाँ, राघव सर उसे स्टाफ रूम ले गए थे. थैंक गॉड. यू तुम यहाँ क्या करो? टिया, ये क्रीप टिया पर स्पाई कर रहा था. स्पाई? हम यहाँ पे क्यों स्पाई करेंगे? सोनिया, वॉच इट. हम सिर्फ लू यूज कर रहे थे. एक्सक्यूज मी, ये गर्ल्स लू है. था, शायद आपको पता नहीं है, बॉयज लू में काम चल रहा है इसलिए अब ये कॉमन बाथरूम है. ओह गॉड, टिया को इसके बारे में पता नहीं था. तो इसमें रणवीर से सोदिया की कोई गलती नहीं है, आपकी गलती है. क्यों? तुम टिया को बता नहीं सकते थे कि तुम यहाँ हो? अर्जुन, ये स्लाइमी टिया पर स्पाई कर रहा था. हमें कैसे पता कि आप अंदर हैं? क्यों? तुमने टिया और स्वीटी को बात करते हुए सुन लिया होगा, सिको. एक्सक्यूज मी टिया, प्लीज जस्टिफाई मत करो. तुम्हें नॉक करना चाहिए था. आई शिल सी यू इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस. मॉम, तुम्हें कहा था ना स्कूल में मत आना. अब मैं क्या करती? स्कूल वालों ने बुला लिया, मोबाइल पे फोन किया था. मॉम कोई भी बहाना बना देती कि काम कर रही हो, किटी पार्टी में गई हो, बिजी हो. वो लोग वार्निंग कार्ड फैक्स कर देते,
ईमेल कर देते, फैक्स कर देते, ईमेल क्या कर देते? ओह गॉड, नॉट हैपिंग मॉम। अच्छा ये बताओ, तुमने साइन कर दिया ना? अरे हाँ बेटी, मैंने अच्छे से साइन कर दिया। पता है कौन सी पेन से? वही जो तेरी डैडी सिंगापुर से लाए थे। दीदी मॉम, ये सब रैंडम काम यहाँ मत क्या करो, मेरा नाम बिगड़ जाएगा यहाँ पे। कैसी बातें कर रहा है तू? मुझे अपनी स्कूल नहीं दिखाएगा? मॉम तुम्हें और स्कूल को दिखाऊंगा। पागल हो गई हो, क्या हो गया है? जोन में तो हो ना मॉम? पागल जोन, ये क्या कह रहा है तू? ओ मॉम, मुझे यहाँ द कूल बुलाते हैं, द कूल। क्या तूने अपना नाम बदल दिया? नहीं मॉम। हे नकुल, चलना यार, हम सब बाहर हैं। हाँ दोस्त, आता हूँ, जस्ट वन मिनट। हो कूल डूड। देखा मॉम, यहाँ मुझे सब द कूल बुलाते हैं, द कूल। मॉम जाता हूँ, बाय। मेरा बच्चा मेहर, एग्जाम नहीं देना बहुत सीरियस स्टेप है, क्यों? सर, मैंने एग्जाम्स इसलिए नहीं दिए क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं पढ़ाई छोड़ना चाहती हूँ सर। बट व्हाई? बिकॉज़ आई जस्ट डोंट केयर, पढ़ाई करके क्या होगा, मेरे लिए तो कोई होप ही नहीं है सर। क्यों नहीं है मेहर? होप हमेशा होती है, इसीलिए तो पढ़ाई तुम्हारी ओनली होप है। सर प्लीज, आप मुझे लेक्चर मत दीजिए। मेहर मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ। इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम गलत बातों में होप मत ढूंढो। सर किसी को मेरी फिक्र नहीं है, ना ही मेरी फैमिली को, ना ही फ्रेंड्स, एवरीवन हेट्स मी। ऐसा नहीं है मैं, आई केयर फॉर यू, लेकिन अगर सब लोग तुम्हें हेट करते हैं तो इसके पीछे कोई वजह होगी, ये सोचा तुमने कभी? लाइफ में आपको वही मिलता है जो आप लाइफ को देते हो। हो सकता है कि तुमने लोगों के साथ गलत किया। ये तुम प्रिंसिपल को बताना। ओह सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप भी यहाँ हैं। सर मैं जाऊँ? जाओ। क्या हुआ? जब मिस्टर जामवाल आएंगे तब आप उनसे पूछ लेना सर। वेल, उनकी एब्सेंस में मैं इंचार्ज हूँ, अगर वो नहीं है तो तुम मुझे बता सकते हो। हम लोग साथ बैठकर स्कूल के रेगुलेशंस पढ़ सकते हैं, इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड। नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं है। तो ठीक है, फिर बताओ क्या बात है। ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी सर। नहीं सर, बहुत सीरियस है। मुझे रणवीर की बातों पर यकीन है, आई थिंक ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग ही थी। सब स्टूडेंट्स को नहीं पता था कि बाथरूम कॉमन है, एंड आई थिंक ये ड्यूटी तुम्हारी थी। जी सर, मैंने सबको इन्फॉर्म किया था। वेल ऑब्वियसली तुमने कुछ स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया था, फॉर एग्जाम्पल टिया, एम आई राइट? ओके फाइन सर, जैसे आप ठीक समझे। एक्सक्यूज मी, अब तो सब ठीक है, फिर ये चेहरा क्यों लटकाया हुआ तुमने? ये सब टिया की गलती है सर, वो हर बात पर हम ही को ब्लेम करती हैं। हम तंग आ गए हैं। तो फिर तुम उससे बात क्यों नहीं करते हो? पूछो उससे कि वो ये सब क्यों कर रही है। नहीं सर, हम उनसे कुछ नहीं पूछेंगे, हमारे लिए टिया आहूजा एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक, जैसा तुम्हें ठीक लगता है तुम करो, लेकिन किसी को अपने दिमाग से निकालना या अपने दिल से निकालना इतना आसान काम नहीं है। नो सर, आसान है, हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि जब भी हम किसी बात पर अपना मन बना लेते हैं ना, तो वो काम करके रहते हैं। और ये टिया आहूजा से हमारा आखिरी नाता था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो क्लास में होना चाहिए ना टिया। तुम मुझे फॉलो कर रही हो क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि मैं जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसके बाद भी टिया तुम्हें अपनी फ्रेंड मानती है। ओह रियली? यस, महर टिया ये नहीं चाहती है कि तुम अपनी लाइफ रून कर लो। टिया जैसे तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? पड़ता है महर, अगर टिया नहीं केयर करती ना तो इस वक्त क्लास में होती। मैं हर चीज खराब कर देती हूँ टिया, या तो मैं बहुत जेलस हूँ या फिर बहुत सेल्फिश।
लेकिन मैंने हमेशा उन लोगों को सबसे ज्यादा हर्ट किया है जिनके बारे में मैं केयर करती हूँ। नहीं मेहर, ये सच नहीं है। यही सच है, मैंने दूसरों को हेट किया है इसलिए आज लोग मुझे हेट करते। देखो मेहर, तुम गलत थी और ये तुमने मान लिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फ्रेंडशिप के लिए। लेकिन अब क्या फायदा, अब तो मेरे कोई फ्रेंड्स ही नहीं है। वेल, ये रियलाइजेशन शायद तुम्हें बदल देगा और तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें वापस मिल जाएंगे। क्या कोई सच में बदल सकता है टिया? मैं अगर तुम प्रिटेंड करना छोड़ दो कि तुम कोई और हो, टिया तो किसी और ही मेहर को जानती थी। शायद मैं भी किसी और ही मेहर को जानती थी। मेहर, अगर तुम चाहो तो टिया तुम्हारी हेल्प कर सकती है उसे ढूंढने में। सच टिया, क्या तुम फिर से मेरी दोस्त बनोगी? माय एंजल। हाय ग्लोरिया, लुकिंग गुड टुडे। क्या कर रही हो? काम। तुम क्लास में क्यों नहीं हो सर? इतनी सीरियस? मैं तो तुमसे मिलने आया था। गुड, मिल लिए ना, अब क्लास में जाओ, मुझे बहुत काम है। ओके ओके ग्लोरिया, जा रहा हूँ। ओह गॉड सिड, ये तुमने क्या किया? सॉरी ग्लोरिया। ग्रेट, पहले मुझे इंटरप्ट किया और अब ये सब। कितना टाइम लेके मैंने ये सब संभाला था सिर। हो गया ग्लोरिया, सी इट्स ऑल डन, ओवर रिएक्ट मत करो। ग्रेट, थैंक यू। अब जाओ प्लीज, मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहती। ग्लोरिया, मैं जा रहा हूँ, बट यू नो समथिंग, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे। दिया, ये पिंपल। मेरी प्रॉब्लम बहुत नहीं थी कि तुमने मेहर से फ्रेंडशिप करके और गड़बड़ कर दी। जी, मेहर को हमारी जरूरत है। आप प्री मेहर के लिए नहीं तो प्लीज दिया के लिए से उससे फ्रेंड बन जाओ। प्री कभी कभी लाइफ में इंपॉर्टेंट बातों के लिए रिस्क लेना पड़ता है। दिया, तुम ये सब कब से सोचने लगी? अब पता नहीं, पर दिया को लग रहा है कि दिया चेंजिंग। हाँ, तभी तो रिस्क ले रही है। प्री, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम किसकी बात कर रही हो? टिया अर्जुन के साथ बाहर जा रही है पिकनिक, इस ब्लैक गैंग के बारे में पता करने। टिया प्लीज, ये बहुत डेंजरस है, ऐसा मत करो। प्री, टिया को लग रहा है जैसे सब कुछ बदल गया है। ये टिया की लाइफ का नया पीरियड है, ये किसी नए लेटेस्ट फैशन कलेक्शन की तरह है। प्री, तुम यूज्ड हो जाओ टू दिस न्यू एंड कमिटेड टिया। क्या तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम अपने डैड को बता सको कि तुम पल्लवी से ज्यादा स्मार्ट हो? प्लीज प्री, पल्लवी इज आउट। सोनिया आंटी ने टिया को सब कुछ समझा दिया है। टिया ये सब सिर्फ उस राजस्थानी ऊंट को दिखाने के लिए कर रही है, वो टिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। टिया कैन ऑल्सो डू एनीथिंग टू हेल्प हर फ्रेंड्स। टिया, Let's have lunch together, okay? Of course, babes. तुम दोनों चलो। हम दोनों मतलब? तुम नहीं आओगी? Please, प्री। टिया ने तुम्हें कहा था ना, वो पिकनिक। टिया पिकनिक पर जा रही है। तुम दोनों लंच करो। बाद में टिया को सब कुछ बताना। Okay? Bye, babies. चले? Yeah. Sumit, what are you doing? This is so childish. Patience, dear lady, patience. इंतजार का फल मीठा होता है. Are you ready? Yeah, अब खोलो. खोलो. Class. They're so beautiful. They're divine. Wow. Thank you so much. I'm glad you like them. I love them. ये भी तुम्हारे लिए। ये क्या? देखो। तुम कब से इतने रोमांटिक हो गए? बस किसी की कंपनी में।
कुछ बातें जो अधूरी रह गई थी। Thank you so much. You're welcome. It's beautiful. Thanks a lot. ये क्या? Oh. ये भी देख लिया तुमने? चलो खोल लो। Tickets to New York. I love you. I love you too, Kalani. ये ट्रिप बहुत पहले हो जाना चाहिए था। Thanks, Tia. You don't know how much this means to me. I had a bad day. Tia, imagine कर सकती है। उस रणवीर के साथ तो किसी का भी दिन बैड ही होता है। Yuck. इस स्कूल में तो सब कुछ यक है, except for you. You're the only angel. और डेविड्स कौन है? राघव दत्त और रणवीर सिसोदिया। उस सिसोदिया का तो मैं। Please, Arjun. इस तरफ उस कैक्टस का नाम लेकर अपनी पिकनिक मत स्पॉइल करो। Just ignore him. तुम उसे पसंद करती हो? हाँ। No, not at all. Tiana फैशन स्ट्रीट से कपड़े खरीद लेगी, लेकिन उस कैक्टस को कभी लाइक नहीं करेगी। No, never. अगर तुम उसे इतना हेट करती हो, why did you spend the weekend with him? तुम्हें किसने बताया? रणवीर ने। No, Arjun. हम दोनों वीकेंड? No. Actually, क्या वो टिया के पापा के साथ काम करता है, इस वजह से कभी कभी वो घर पर ही रह जाता है। अर्जुन, तुम उस कैक्टस को भूल जाओ। टिया कभी ऐसे लड़के को डेट नहीं करेगी जिसे ब्लैक गैंग टारगेट कर रहा हो। कौन सा गैंग? ब्लैक गैंग सिली। तुम लोग भी ना? हम लोग? टिया, आई डोंट अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स, तुम ब्लैक गैंग। ये सब क्या है, कोई गेम है क्या? उस दिन रणवीर ने भी मुझे अक्यूज किया कि मैं कोई गैंग का मेंबर हूँ। I mean, what is this? I don't understand. Black gang एक secret gang है, seniors का। जितने भी scholarship students यहाँ आते हैं, this gang hates them. ये उन्हें target करता है। अब don't tell me कि तुम्हें ये सब नहीं पता, हाँ? Tia, मैं यहाँ senior student हूँ, prefect हूँ, कोई gang का member नहीं हूँ Tia. मैं इधर नया हूँ and मुझे इन चीजों के बारे में पता नहीं। Anyways. मुझे एक्चुअली तुमसे कुछ और इम्पोर्टेंट बात करनी है। यू नो व्हाट अर्जुन, टिया को अभी अभी याद है, वो टिया ने ना परफ्यूम बॉटल खुली छोड़ दी है, तो अब सारी वैपरेट हो जाएगी। हम बाद में मिलते हैं, तुम वो बात इम्पोर्टेंट बात टिया को बाद में बताना, ओके? बाय। टिया पर टिया ने कभी पहले ऐसा फील नहीं किया, एक अनदेखा अनचाहा अट्रैक्शन। I just couldn't stop looking at him, जैसे सारा वर्ल्ड स्टॉप हो गया। He's so sweet, it hurts. उसकी आईज, ऐसा क्या है उनमें जो टिया उनके अलावा कुछ और देख ही नहीं पाती? His smile, जो सिर्फ कभी कभी दिखती है, टिया को लगता है जैसे सिर्फ टिया के लिए वो स्माइल है। पापा, थैंक गॉड कि एटलीस्ट टिया इस गवार से बात तो कर रही है। यू, टिया ने अपनी पूरी लाइफ में इतना रूड बिहेवियर कभी नहीं देखा। रणवीर, टिया हेट्स यू। रणवीर, शायद ईरा को ये मेडिसिन तुम्हें लगानी चाहिए। नहीं टिया, इट्स ओके, हमें आप पर पूरा भरोसा है। एंड नाउ आई स्टार्टेड टू लाइक इट। अरे लगी तो नहीं रहा। उठिए आराम से।
चलिए आराम से. Remake, 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 remake.